नमस्कार बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पाठ नंबर 8 जो कि नियंत्रण है, उसके भाग 2 पर चर्चा करेंगे। प्रबंधकीय नियंत्रण की तकनीक के बारे में जानेंगे, उत्तरदायित्व लेखाकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा प्रबंधन अंकेक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने पिछले भाग में पढ़ा था बच्चों, विषय प्रवेश के बारे में, नियंत्रण के अर्थ के बारे में, नियंत्रण का महत्व, उसकी सीमाएं क्या है, नियोजन और नियंत्रण में आपस में संबंध क्या है और नियंत्रण की प्रक्रिया क्या है। साक्को डिफेंस ने अपनी स्थिति को किस प्रकार से नियंत्रित किया? साक्को डिफेंस में गुणवत्ता की कमी के कारण बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी। जब सरकार ने इसे बंद कर दिया तो उस समय ये गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतर रही। साक्को ने TQM कार्यक्रम के तहत फिर से गुणवत्ता को सुधारा, उत्पादन क्षमता को बढ़ाया और लागत को कम किया। साक्को स्थित मैने डिफेंस कंपनी, जो कि 178 वर्ष पुरानी थी, USA नेवी की गुणवत्ता मानकों की पूर्ति नहीं कर पा रही। यद्यपि साक्को के शस्त्रों ने अच्छा काम किया था, तो सरकार ने कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों और प्रयोगों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी को कोई घटिया बोल्ट उस समय दिखाई देता है जब जोड़ने की प्रक्रिया लगभग पूर्ण ही है, उस समय परिचालक उस बोल्ट को बदल ही देगा, ना कि समस्या को आगे बढ़ाएगा। एक घटिया बोल्ट का अर्थ है कि उसी आपूर्तिकर्ता से अन्य बोल्ट भी घटिया किस्म के आए होंगे अथवा पूरी खेप ही घटिया आई होगी, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था। जब तक इस चीज पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जाएगी, तब तक समस्या का ना तो पता ही चलेगा और ना ही उसका निदान समाधान संभव हो पाएगा। इन समस्याओं के निराकरण के लिए साक्को डिफेंस ने एक संगठनात्मक रूपांतरण की प्रक्रिया को अपनाया, जिसके मूलभूत तत्व थे कर्मचारियों को उनका उत्तरदायित्व और उत्तरदेयता को समझाना और उत्पादन की त्रुटिपूर्ण क्रिया को रोककर समस्या को सुलझाना। इसके लिए काम की टोलियां बनाई गई, अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए, जैसे कंपनी के अंतर्गत छोटे व्यावसायिक ग्रुप बनाए गए, ताकि अपने सीमित पर्यवेक्षण से प्रबंध कार्य जो कि उत्पादन का था उसको आसानी से पूरा किया जा सके। 760 से घटाकर कर्मचारियों की संख्या 460 पर लाई गई और प्रबंध के कई स्तरों को भी हटाया गया। इसके अतिरिक्त प्रगतिशील उद्यमों में जो कंपनी के कार्यक्षेत्र में ही थे, उनके समय चक्र में कमी की गई और लागत मूल्य को कम किया गया, ताकि दक्षतापूर्ण एकीकरण कार्यक्रम को लागू किया जा सके। इसके लिए उत्पादन को बढ़ाया गया, आवर्त को घटाया गया और कंपनी अपने अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय को बढ़ाने में लगी हुई है। अब हम प्रबंधकीय नियंत्रण की तकनीक के बारे में जानते हैं। प्रबंधकीय नियंत्रण की विभिन्न तकनीकें होती हैं बच्चों, इसे हम मुख्यतः 2 विस्तृत श्रेणियों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पारंपरिक तकनीकें, नंबर 2 आधुनिक तकनीकें। पारंपरिक तकनीकों के अंतर्गत क्या आता है? पारंपरिक तकनीकों से तात्पर्य होता है उन तकनीकों से जिनका उपयोग कंपनियां लंबे समय से करती चली आ रही होती हैं। फिर भी ये तकनीकें आज भी अप्रचलित नहीं हुई हैं, व्यवहार से बाहर नहीं हुई, प्रचलन से बाहर नहीं हुई और कंपनियां अभी भी इनका उपयोग कर रही हैं। ये इस प्रकार हैं: व्यक्तिगत अवलोकन या निरीक्षण करना, सांख्यिकीय रिपोर्ट्स तैयार करना, प्रतिवेदन बनाना, बिना हानि लाभ का व्यापार विश्लेषण करना और बजटीय नियंत्रण करना। आधुनिक तकनीकों से तात्पर्य होता है उन तकनीकों से जिनका अभ्युदय अभी अभी रिसेंट फिलहाल में हुआ है, जो प्रबंध के क्षेत्र में भी नहीं है। इन तकनीकों से उन नई विचारधाराओं को जन्म मिलता है, उन नई विचारों को बल मिलता है, जिनके माध्यम से संगठन के विभिन्न क्षेत्रों में उचित नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। ये इस प्रकार हैं: विनियोगों पर आय अनुपात का विश्लेषण करना, उत्तरदायित्व का लेखांकन करना, प्रबंध अंकेक्षण करना,
कार्यक्रम मूल्यांकन और पुनर्विचार की तकनीक अपनाना अर्थात PERT और समालोचनात्मक पथ विधि CPM अपनाना, प्रबंध सूचना विधि को अपनाना। अब हम देखते हैं पारंपरिक तकनीकों को। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत अवलोकन आता है, यह नियंत्रण की सर्वाधिक पारंपरिक विधि है। प्रबंधक का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना उसे सर्वप्रथम सूचना प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। यह कर्मचारियों पर इस बात का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है कि वे अपना कार्य अच्छी से अच्छी विधि से करें, क्योंकि काम करते समय उन्हें इस बात का आभास होता है कि वे अपने उच्चाधिकारियों की व्यक्तिगत निगरानी में हैं, देखरेख में हैं, उच्चाधिकारी उन पर नजर रख रहे हैं। यदि भी ये अधिक समय लेने वाली क्रिया होती है और सभी प्रकार के उद्योगों में प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग में नहीं लाई जाती। सांख्यिकीय प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट्स क्या होती है? सांख्यिकीय विश्लेषण करना औसत, प्रतिशत, अनुपात, परस्पर संबंध आदि के रूप में प्रबंधकों को संगठन के विभिन्न क्षेत्रों के निष्पादन की उपयोगी सूचनाएं प्रस्तुत करता है। जब इन सूचनाओं को चार्ट, ग्राफ या सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो प्रबंधकों को पिछले सालों के निष्पादन का एक तुलनात्मक सा अध्ययन प्रस्तुत करने में आसानी रहती है और वे इन्हें कम से कम समय में और आसानी से हृदयंगम कर पाते हैं, समझ पाते हैं, विश्लेषण कर पाते हैं और उसे विश्वास पूर्वक अपना भी सकते हैं। बिना लाभ हानि व्यापार का विश्लेषण करना। बिना लाभ हानि व्यापार का विश्लेषण एक तकनीक है जिसका उपयोग प्रबंधकों के द्वारा लागत, आकार तथा लाभों में संबंध का अध्ययन करने हेतु किया जाता है। इससे विभिन्न क्रियाओं के विभिन्न स्तरों पर होने वाले संभावित लाभ और हानि का निर्धारण भी किया जाता है। प्रबंधकों के लिए ये एक उपयोगी तकनीक होती है क्योंकि ये क्रियाओं के विभिन्न स्तरों पर लाभों का अनुमान लगाने में सहायता प्रदान करती है। इस चित्र में एक फर्म का बिना लाभ हानि का व्यय का चार्ट दिखाया गया है। बिना लाभ हानि व्यापार बिंदु का निर्धारण कुल आगम और कुल लागत वर्ग के प्रतिच्छेदन के द्वारा किया जाता है। चित्र में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि फर्म 50,000 यूनिटों का उत्पादन करती है तो फर्म बिना लाभ हानि व्यापार की स्थिति में होगी। इस बिंदु पर ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है, अर्थात नो प्रॉफिट नो लॉस। इस बिंदु से आगे फर्म लाभ कमाना शुरू कर देती है। बिना लाभ हानि व्यापार बिंदु की गणना हम निम्नलिखित सूत्र से भी कर सकते हैं। ये सूत्र इस प्रकार है बच्चों, बिना लाभ हानि व्यापार बिंदु इज इक्वल टू बराबर है स्थाई लागत बटा विक्रय मूल्य प्रति यूनिट डैश परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट। बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण से फर्म को परिवर्तनीय लागत पर कड़ा नियंत्रण रखने में भी सहायता मिलती है तथा क्रिया के उस स्तर को भी निर्धारित किया जा सकता है जहां से फर्म लाभ के लक्ष्य को प्राप्त कर पाती है। अब आता है बजटीय नियंत्रण। ये क्या होता है बच्चों? बजटीय नियंत्रण प्रबंधकीय नियंत्रण की एक तकनीक है जिसके अंतर्गत सभी कार्यों का नियोजन पहले से ही बजट के रूप में किया जाता है और वास्तविक परिणामों की तुलना बजटीय मानकों से की जाती है। ये तुलनात्मक अध्ययन इस ओर अग्रसर करता है कि संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। बजट एक परिमाणात्मक विवरण होता है जिसका निर्माण भविष्य के लिए तैयार की गई नीतियों का उस समय में अनुगमन करने के लिए किया जाता है और उस बजट का उद्देश्य होता है लक्ष्यों की प्राप्ति। नीचे एक सारणी प्रस्तुत की जा रही है जो कि इस बात की सूचक है, इस बात का द्योतक है कि ये वे बजट हैं जो एक संगठन के द्वारा सामान्यता उपयोग में लाए जाते हैं। तो बजट इस प्रकार होते हैं, बजटों के प्रकार दिए गए हैं बच्चों, बिक्री बजट, उत्पादन बजट, माल बजट, रोकड़ बजट, पूंजी बजट, अनुसंधान तथा विकास बजट। तो बिक्री बजट वह विवरण है जिसमें एक संगठन भविष्य में
बिक्री की मात्रा और प्राप्त होने वाले मूल्य की अपेक्षा करता है। उत्पादन बजट एक विवरण है जिसमें एक संगठन भविष्य में निश्चित समय के अंतर्गत उत्पादन की अपेक्षा करता है। माल बजट एक ऐसा विवरण होता है जो भविष्य में कितने माल की आवश्यकता होगी और उसकी कितनी लागत आएगी इसका अनुमान लगाता है। रोकड़ बजट एक निश्चित समय में रोकड़ का कितना अंतर्गमन होगा, कितना बहिर्गमन होगा इस बात का पूर्वानुमान लगाता है। पूंजी बजट में अनुमानित व्यय दीर्घकालीन संपत्तियों के क्रय के लिए, जैसे कि नई फैक्ट्री के क्रय के लिए या मुख्य मुख्य उपकरणों के क्रय के लिए व्याख्या करता है। अनुसंधान तथा विकास बजट उत्पादों और प्रक्रियाओं पर होने वाले अनुमानित व्यय के लिए विकास और परिष्करण किया जाता है। बजट बनाने के क्या क्या लाभ होते हैं? बजट बनाने के लाभ इस प्रकार हैं। बजट के केंद्र बिंदु विशिष्ट और लक्ष्य की समय सीमा होते हैं, अतः ये संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं। बजट कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। उनको ये अच्छे से ज्ञान हो जाता है, समझ में आ जाता है कि हमारे निष्पादन का किन मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस तरह से बजट उन्हें कार्य के अच्छे भली प्रकार निष्पादन के लिए सामर्थ्यवान भी बनाता है। बजट विभिन्न विभागों का उनकी आवश्यकता अनुसार संसाधनों का आवंटन करता है और उनका अधिकतम उपयोग करने में भी सहायता प्रदान करता है। बजट एक संगठन के विभिन्न विभागों में आपस में तालमेल बिठाता है, सामंजस्य बनाता है और उनके अपने अस्तित्व को पृथक बनाए रखने में भी सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर बिक्री बजट तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उत्पादन कार्यक्रम और समय सारणी का ज्ञान नहीं होता। यह प्रबंध में अपवादों के द्वारा उन प्रक्रियाओं पर दबाव बनाकर सहायता करता है जो बजटीय मानकों से एक महत्वपूर्ण दिशा में विचलित होती है। तथापि हम कह सकते हैं कि बजट की प्रभावपूर्णता इस बात पर निर्भर करती है कि भविष्य के लिए लगाए गए अनुमान कितने सटीक हैं, कितने सही हैं, कितने ठीक हैं। बजट लचीला तैयार किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से परिस्थितियां विपरीत दिशा में हैं, अनुकूल नहीं है, विशेषकर कि जब वातावरण में कुछ परिवर्तन होता है, तो लचीले बजट में भी परिवर्तन सुगम हो सकता है। यहाँ ये कहना अति आवश्यक हो जाता है कि प्रबंधक को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि बजट ही कार्य संपादन का अंतिम पड़ाव नहीं होता। यह तो संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन मात्र ही है। आधुनिक तकनीकें कौन कौन सी हैं? निवेश पर प्रत्याय एक उपयोगी तकनीक मानी जाती है जिससे हमें वे आधारभूत मानदंड मिलते हैं जो विनियोजित पूंजी के प्रभावपूर्ण ढंग से विनियोजन को मापने में सहायक सिद्ध होते हैं और इस बात का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं कि पूंजी पर संतुलित लाभ उपार्जित हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। विभिन्न विभागों और खंडों की व्यक्तिगत रूप से प्रगति मापन का भी एक उपयोगी साधन होता है जिसकी गणना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। निवेश पर प्रत्याय बराबर है निवल आय बटा विनियोजित पूंजी। कुल विनियोग से तात्पर्य कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी के व्यवसाय में विनियोजन से होता है। इस तकनीक के अनुसार निवेश पर प्रत्याय में वृद्धि या तो कुल बिक्री की मात्रा में कुल विनियोग से अधिक वृद्धि करके या कुल विनियोग में बिक्री में किसी प्रकार की कमी किए बगैर करना होता है। यह तकनीक विभागीय प्रबंधकों को निवेश पर प्रत्याय के विपरीत ढंग से प्रभावित करने वाली समस्याओं को भी जानकारी प्राप्त करने में सहायता करती है। अनुपात का विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण से तात्पर्य वित्तीय विवरणों में विभिन्न अनुपातों की गणना करके विश्लेषण करना है। विभिन्न संगठनों के द्वारा अधिकतर प्रयोग में आने वाले विभिन्न अनुपातों को हम निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं। तरलता अनुपात। तरलता अनुपात की गणना व्यवसाय की अल्पकालीन देयता के निर्धारण हेतु की जाती है। इस अनुपात से ये पता लगता है कि कंपनी अपनी अल्पकालीन संपत्तियों से अपने अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान करने के लिए समर्थशील है भी या नहीं।
शोधन क्षमता अनुपात, वे अनुपात जिनकी गणना कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता की जांच करने हेतु की जाती है वे शोधन क्षमता अनुपात कहलाते हैं। इन अनुपातों से ये ज्ञात होता है कि क्या कंपनी अपनी ऋणग्रस्तता की आवश्यकता अनुसार सेवा करने या ब्याज आदि का भुगतान करने की अवस्था में है या नहीं। लाभदायकता अनुपात, इन अनुपातों की गणना कंपनी की लाभदायकता की गणना करने के लिए की जाती है। इन अनुपातों में लाभ की गणना बिक्री या कोष अथवा विनियोजित पूंजी के संबंधित विश्लेषण से होती है। आवर्त अनुपात, ये अनुपात ये बताते हैं कि कोई संस्था अपने व्यवसाय में लगी हुई संपत्तियों का कितनी कार्यकुशलता से उपयोग कर रही है। ये अनुपात जितना ऊंचा होगा उतना ही संसाधनों का उपयोग अच्छे से हो पाएगा। प्रबंधकों के द्वारा सामान्यता प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ अनुपातों के उदाहरण इस प्रकार है। अनुपातों के प्रकार और उदाहरण, तरलता अनुपात का उदाहरण है चालू अनुपात, शीघ्र अनुपात। शोधन क्षमता अनुपात का उदाहरण है ऋण क्षमता का अनुपात, स्वामित्व अनुपात और ब्याज आवरण अनुपात। लाभदायकता का अनुपात इसके उदाहरण है सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात और विनियोगों पर लाभ की दर। आवर्त अनुपात क्या उदाहरण स्कंद या आवर्त अनुपात, देनदार बिक्री अनुपात और औसत संग्रह अवधि। उत्तरदायित्व लेखाकरण, उत्तरदायित्व लेखाकरण लेखांकन की एक विधि है जिसके अंतर्गत एक संगठन के विभिन्न विभाग खंडों और वर्गों का उत्तरदायित्व केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। केंद्र का प्रधान अपने केंद्र के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी होता है। ये उत्तरदायित्व केंद्र निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। लागत केंद्र, एक लागत या व्यय केंद्र एक संगठन का वह उपखंड होता है जिसका प्रबंधक उस केंद्र पर वे होने वाली लागत के लिए तो उत्तरदायी होता है लेकिन आगम के लिए नहीं। आगम केंद्र, आगम केंद्र एक संस्था का वह उपखंड या भाग होता है जो मुख्य रूप से आगम संवर्धन के लिए उत्तरदायी होता है। लाभ केंद्र, लाभ केंद्र एक संस्थान का वह उपखंड होता है जिसका प्रबंधक आगम और लागत दोनों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए मरम्मत या रखरखाव किसी संगठन का लाभ केंद्र माना जाता है यदि उसे ये अधिकार हो कि उत्पादन के अन्य विभागों से उसके द्वारा सुलभ कराई गई सेवाओं के बदले पारिश्रमिक ले सके। विनियोग केंद्र, एक विनियोग केंद्र केवल लाभ के लिए ही उत्तरदायी नहीं होता बल्कि संपत्तियों के रूप में केंद्र में विनियोगों के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्रबंध अंकेक्षण के बारे में। प्रबंध अंकेक्षण से तात्पर्य होता है एक संगठन के संपूर्ण निष्पादन की विधिवत समीक्षा से। इसका मुख्य उद्देश्य प्रबंध की दक्षता और प्रभाविता का पुनरावलोकन करना होता है ताकि भविष्य में इसकी कार्यप्रणाली में सुधार लाया जा सके, प्रबंध कार्यों के निष्पादन में होने वाली कमियों को दूर किया जा सके। इस प्रकार प्रबंध अंकेक्षण एक संगठन की कार्यप्रणाली, उसके निष्पादन और प्रभाविता को मूल्यांकित करता है। प्रबंध अंकेक्षण के मुख्य लाभ इस प्रकार, प्रबंधकीय कार्यों के निष्पादन में वर्तमान और संभावित कमियों को बतलाने में सहायता होती है। यह एक संगठन के निष्पादन प्रबंध के लगातार अनुश्रवण करके, मॉनिटरिंग करके उसकी नियंत्रण प्रणाली को उन्नतशील बनाता है। विभिन्न कार्यशील विभागों में समन्वय को उन्नतशील बनाता है जिससे कि उद्देश्यों की प्राप्ति में आसानी होती है। वातावरणीय परिवर्तनों के साथ साथ वर्तमान प्रबंधकीय नीतियों और मुक्तियों को आधुनिक बनाता है, उसे आश्वस्त करता है। कभी कभी प्रबंध अंकेक्षण अपनाने में कुछ समस्याएं भी आती हैं क्योंकि प्रबंध अंकेक्षण की कोई मानक तकनीक तो है नहीं। इसके अतिरिक्त किसी भी विधान के अंतर्गत प्रबंध का अंकेक्षण आवश्यक भी नहीं माना जाता। पुनरावलोकन तकनीक, आलोचनात्मक उपाय प्रणाली, कार्यक्रम मूल्यांकन और पुनरावलोकन करना, आलोचनात्मक उपाय प्रणाली नियोजन करना और नियंत्रण में अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण नेटवर्क स्थापित करना, ये सब तकनीकें हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं।
कार्यक्रम मूल्यांकन और पुनरावलोकन तकनीकें आलोचनात्मक उपाय प्रणाली के उपयोग में निहित कदम इस प्रकार है। परियोजना विभिन्न प्रकार की स्पष्ट पहचान योग्य और सुव्यवस्थित क्रियाओं में बटी होती है, विभाजित होती है, जो कि तर्कसंगत अनुक्रम में व्यवस्थित की जाती है। परियोजना की क्रियाओं प्रारंभिक बिंदुओं और अंतिम बिंदुओं के अनुक्रम को स्पष्ट करने के लिए एक नेटवर्क आरेख डायग्राम तैयार किया जाता है। प्रत्येक क्रिया के लिए अलग आकलन तैयार किया जाता है। कार्यक्रम का मूल्यांकन पुनरावलोकन तकनीक के लिए 3 समय अवलोकनों की आवश्यकता होती है। आशावादी अथवा कम से कम समय, निराशावादी अथवा अधिकतम समय और अधिकतम संभावित समय। आलोचनात्मक उपाय प्रणाली में केवल एक समय आकलन तैयार किया जाता है। नेटवर्क में सबसे लंबी विधि को जटिल विधि के रूप में समझाया जाता है। इससे उन क्रियाओं का क्रम प्रस्तुत किया जाता है जो परियोजना को समय से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होती है तथा जहां कोई भी विलंब बिना किसी पूर्ण परियोजना में विलंब किए स्वीकृत नहीं होता। आवश्यकता अनुसार योजना में परिवर्तन किया जा सकता है ताकि परियोजना का समय के अनुसार पूरा किया जाना और संपादन करना, नियंत्रण करना आसान हो सके। कार्यक्रम मूल्यांकन और पुनरावलोकन आलोचनात्मक उपाय प्रणाली को प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जहाज भवन निर्माण परियोजना, हवाई जहाज निर्माण परियोजना इत्यादि। प्रबंध सूचना पद्धति। प्रबंध सूचना पद्धति कंप्यूटर पर आधारित सूचना पद्धति होती है जो कि सूचना सुलभ कराती है और प्रभावी प्रबंधकीय निर्णय लेने में सहायता भी प्रदान करती है। निर्णय लेने वालों के लिए आधुनिकतम, यथार्थ और सामायिक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। प्रबंध सूचना पद्धति एक महत्वपूर्ण नियंत्रक तकनीक भी सुलभ कराती है। प्रबंध सूचना पद्धति के प्रबंधकों को लाभ भी होता है। यह संगठन में संकलन, प्रबंध के विभिन्न स्तरों और विभिन्न विभागों के दूसरी ओर सूचनाओं के प्रसार को सरल करते हैं। ये सभी स्तरों पर नियोजन करते हैं, उसका नियंत्रण करते हैं, सूचनाओं की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं, प्रबंधकीय सूचनाओं की लागत को प्रभावशाली बनाते हैं। ये प्रबंधकों पर सूचनाओं का अधिक भार नहीं होने देते क्योंकि उन्हें केवल संबंधित सूचनाएं ही सुलभ कराई जाती हैं। अब हम आते हैं कुछ पुनरावृत्ति प्रश्नों पर। प्रबंधकीय नियंत्रण की तकनीकों को किन 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो इसका उत्तर है पारंपरिक तकनीकें व आधुनिक तकनीकें। उत्तरदायित्व केंद्र कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है लागत केंद्र, आगम केंद्र, लाभ केंद्र और विनियोग केंद्र। तो यहां पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।